रूस के मंत्री डेनिस मुटेरो ने कहा कि भारत और रूस ने 2028 तक 390 टैंकों के लाइसेंस और निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि रक्षा अधिग्रहण ने 464 390 टैंकों की खरीद को अपनी मंजूरी दी है। भारत ने रूस से 3,257 390 टैंक और T-72 टैंक खरीदे हैं, जिनकी कीमत $70 मिलियन से अधिक है। और रूस के मंत्री डेनिस ने कहा कि रूस ने भारत के लिए X-400 डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है और कहा कि 2021 तक भारत को X-400 डिफेंस सिस्टम सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट HAL को लेकर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपने सबसे बड़े ऑर्डर के लिए HAL निजी कंपनियों को इस कार्यक्रम में शामिल करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की लागत 38,000 करोड़ रुपए है, जिसमें HAL को इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 Mark 1 तेजस फाइटर जेट का निर्माण करना है। HAL के अध्यक्ष R. माधव ने कहा कि प्रोग्राम में लार्सन एंड टर्बो डायनोमेटिक्स और अल्फा निजी कंपनियों को शामिल किया जा सकता है। HAL प्रति वर्ष 16 तेजस फाइटर जेट का निर्माण करती है। दोस्तों, अगला अपडेट इजराइल को लेकर है। बुधवार को इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के हेड अली हेफेट्स ने कहा कि इजराइल ने भारत को लॉन्ग रेंज वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सप्लाई पूरी कर दी है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इजराइल से 200 स्पाइक मिसाइल खरीदने की डील की थी। स्पाइक LRATGM सिस्टम एक मैन पोर्टेबल फोर जनरेशन सिस्टम है जो फायर एंड फॉरगेट मोड पर काम करता है। यह मिसाइल दुश्मन देशों के टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, बंकरों को नष्ट कर सकती है। दोस्तों, अगला अपडेट डिफेंस एक्सपो 2020 को लेकर है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया और उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि सरकार को अगले 5 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए के हथियार और गोला बारूद निर्यात करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो 2020 अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है। इस बार इस डिफेंस एक्सपो में भारत की 1000 रक्षा निर्माता और दुनिया भर की 150 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 460 रक्षा लाइसेंस दिए गए हैं और कहा कि एयरक्राफ्ट, लड़ाकू, हेलीकॉप्टर, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।